हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल कोचिंग होम 24 पर। देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश की जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उन सभी की जो वीडियो है 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट की, तो वो हमने प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी की वीडियो, इंडिया जीके की वीडियो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और देखिए, वैसे हम एचपी जीके कंप्लीट कर चुके हैं, परंतु देखिए जी, एक मैं अलग से वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें झीलें, हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस एक वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ होगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। और देखिए, इससे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके झीलों, नदियों, या ग्लेशियरों से। आप पिछले पेपर चेक कर सकते हैं, तो इनसे 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किए हुए हैं। लगभग 40-45 क्वेश्चन होंगे सिर्फ नदियों, झीलों और ग्लेशियरों से। तो वीडियो को जैसा शेयर कीजिएगा ताकि जैसा स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए अब शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील होगी गोविंद सागर। देखिए, हम टू द पॉइंट क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार इनको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। देखिए, ऊपर था सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि मैन मेड, ये है प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक पूछे तो रेणुका, और अगर पूछा जाए कृत्रिम झील सबसे बड़ी तो गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सूरज ताल झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो क से करेरी, क से कांगड़ा, आप बोलेंगे क से कुल्लू भी हो सकता है, परंतु वैसे ही आपको बता रहा हूँ। तो करेरी झील कहाँ पर है? कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाको झील किस जिले में है? तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन नाको वाला, तो देखिए नाको झील है किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो किस नदी के किनारे है, तो सॉरी, किस झील के किनारे? तो आपका आंसर होगा रिवालसर, जो कि मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? तो रिवालसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है? देखिए, ये आपको बहुत डाउट रहता है इसमें कि सर रिवाल्सर को नहीं प्राशर को कहा जाता है, तो देखिए कहाँ रिवाल्सर को ही जाता है। वैसे तैरते हुए टापू प्राशर झील में भी पाए जाते हैं, परंतु जो तैरते हुए टापू की झील कहा जाता है, जो ये टैग दिया गया वो रिवाल्सर को दिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा तैरते हुए टापू पाए जाते हैं प्राशर झील के तुलना में। तो किसे कहा जाता है तैरते हुए टापू की झील? तो आपका आंसर होगा रिवाल्सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? तो परशुराम ताल स्थित है रेणुका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? शिमला में, और ये ठंडे पानी का झरना है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधक चश्मा वशिष्ठ किस जिले में स्थित है? यानी कि वशिष्ठ जो चश्मा है, जो झरना है, वो किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में। आपका आंसर क्या होगा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? तो मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? कुल्लू। किस नदी के किनारे? पार्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13 है, लुंड और ददराणा चश्मे किस जिले में स्थित है? तो लुंड और ददराणा चश्मे किस जिले में स्थित है? बिलासपुर। अगर बिलासपुर से देखिए किसी झरने या चश्मे का अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं से बनता है, लुंड और ददराणा, और कहाँ पर है वो? बिलासपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो किस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा लामा झील। और ये किस जिले में स्थित है? तो चंबा में, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3,962 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा कहाँ स्थित है? तो तत्ता पानी नामक गर्म पानी का चश्मा स्थित है मंडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूरी पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ज्यूरी पुल का निर्माण किया गया है सतलुज नदी पर, और कब किया गया था? 1889 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो पहले ही बता चुका हूँ सूरज ताल, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,883 मीटर। और आपको याद रखना जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है सूरज ताल, एक दूसरी है चंद्र ताल, एक है चंद्र नाहन जो कि शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रभागा जिसे चिनाब नदी भी कहते हैं, चिनाब नदी का ही नाम है चंद्रभागा, नदी का उद्गम स्थल है, तो इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा। एक क्वेश्चन आता है कि किस नदी में सोना पाया जाता है? तो चंद्रभागा यानी चिनाब। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं,
रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो देखिए निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर तिब्बत, और हिमाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है शिपकी, जो कि किन्नौर में स्थित है। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस नदी का संस्कृत नाम विपाशा है? तो विपाशा ब्यास का नाम है, और इसका वैदिक नाम है ब्यास का अर्जिकिया, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्र और बागा नदियां किस स्थान पर मिलती हैं? तो तांडी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्यास का उद्गम स्थल है? तो ब्यास का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड, या रोहतांग दर्रा भी इसका ऑप्शन में दे रखा होता, तो रोहतांग दर्रा भी आपका आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 है, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की अगर पूछा जाए तो सतलुज, अगर ऐसा पूछा जाए कि किस नदी जो पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो चिनाब होगा, अगर लंबी पूछे तो सतलुज होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है? तो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चांसल चोटी, या चांशल चोटी, कभी कभी इसकी जगह लिखा था चंद्र नाहन झील। क्वेश्चन एक और बनता है कि चंद्र नाहन झील किससे पानी प्राप्त करती है? तो पब्बर नदी से, पब्बर नदी का उद्गम स्थान तो चंद्रनाहन झील, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको चंद्रनाहन झील भी याद रखना और चांसल चोटी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेती किस की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है सुकेती? तो ब्यास की। क्वेश्चन नंबर 30 है, पब्बर किसकी सहायक नदी है? तो पब्बर जमुना की सहायक नदी है। ठीक, पब्बर गिरी की सहायक नदी है, गिरी जमुना की, इनडायरेक्टली ये किसकी सहायक नदी है? जमुना की। गिरी, पब्बर, टोंस, जलाल, आंध्रा, पटसरी, ये सभी जमुना की सहायक नदी है। वैसे जो पहले पहले आंध्रा और जो पटसरी जो पब्बर में मिलेगी, पब्बल फिर जलाल नदी में, जलाल गिरी में, गिरी फिर जमुना में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बसपा स्पीति, जो दो नदियां अलग अलग है बसपा और स्पीति, किसकी सहायक नदियां हैं? तो बसपा और स्पीति ये सतलुज की सहायक नदियां। देखिए आप सिर्फ सतलुज की सहायक नदियों का नाम याद रख लें, क्योंकि उसकी सहायक नदियां जो इंपॉर्टेंट जिनके क्वेश्चन बनते हैं वो सिर्फ 5 या 6 हैं। ब्यास की बहुत सारी है, आपसे सतलुज की याद कर लीजिए, जमुना की भी आपको याद हो जाएंगी, उसके अलावा जितनी भी बचेंगी वो ब्यास की होंगी, तो इस तरीके से आप आंसर दे पाएंगे इनका। और स्पीति सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो धर्मशाला, कितनी वार्षिक वर्षा होती है वहां पर? तो 3400 मिलीमीटर लगभग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है स्पीति, अगर डिस्ट्रिक्ट अगर सीधा सा लिखा लाहौल स्पीति तो वो तो आपका आंसर होगा ही, परंतु अगर पर्टिकुलर जगह दे रखी हो लाहौल और स्पीति में से भी, तो आपका आंसर होगा स्पीति, और 50 मिलीमीटर से भी कम होती है वहाँ पर। ठीक, तो उसे, और देखिए स्पीति को ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश में शिगड़ी का क्या मतलब है, कि शिगड़ी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्लेशियर को, यानी कि हिमनद को। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिमाचल प्रदेश में वर्षा का औसत क्या है? यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो वार्षिक वर्षा होती है उसका औसत क्या है, कितनी औसतन वर्षा होती है साल में? तो इसका जो आंसर होगा भी होगा आपका 1600 मिलीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मुल्किया तथा मियार ग्लेशियर स्थित है? तो लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 39 है, रावी किस स्थान से चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो खैरी में, खैरी से चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, चिनाब नदी किस स्थान से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश कर जाती है? तो इसका आंसर होगा संसारी नाला से। क्वेश्चन नंबर 41 है, जमुना नदी खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और किस स्थान से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश कर जाती है? तो आपका आंसर होगा ताजेवाला से। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिल जाती है? यानी कि सतलुज, स्पीति नदी का सतलुज में संगम किस स्थान पर होता है? तो होता है नामगिया या खाव, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है?
तो किस स्थान से वो पंजाब को, सॉरी कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर जाती है ब्यास नदी? तो आपका आंसर होगा, देखिए मूरथल भी लिखा होता कभी, तो कहीं मीरथल, तो जो आप याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस किसकी सहायक नदी है? जमुना की, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 45 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी, सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड कौन सी है? तो सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड कौन सी है? तो सीर खड। तो इसी के साथ ही देखिए, जो भी नदियों, ग्लेशियरों, झरनों, झीलों से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो मैंने इस वीडियो में कवर की आपके लिए, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है। और देखिए, जैसे कि आप फॉरेस्ट गार्ड का भी आपका नोटिफिकेशन आ चुका है तो उसकी तैयारी भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, उसके लिए कोई हमें एचपी जीके की अलग से क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सीधे हम मॉक टेस्ट करेंगे एचपी जीके के, क्योंकि देखिए मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल डिटेल में आपको समझाए हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कोई पटवारी के लिए मैंने कोई अलग तरीके से कोई क्वेश्चन करवाए हुए कि विजय पटवारी में आएंगे इसलिए मैंने इन 12 डिस्ट्रिक्टों में और हर डिस्ट्रिक्ट में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाए आपको। देखिए, मैंने ओवरऑल कोई भी उस डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, आप थोड़ा सा और पढ़ें तो आप अलाइड तक का एग्जाम दे सकते हैं, उसका प्री क्लियर कर सकते हैं, एचपी जीके के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि उसमें मैंने हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन ऐड किए जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो जो फॉरेस्ट गार्ड वाली, जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करेंगे तो वो भी हिमाचल जीके के लिए उन वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया जी के, वो भी हमने शुरुआत से बिल्कुल, हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक चले तो वो भी आप तैयारी कर सकते हैं। मैथ की बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपकी क्लासें लगाई जा रही हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज, तो वो भी फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी, फॉरेस्ट गार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं वो उन वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैथ का क्या होता है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, और देखिए अगर आप सीजीएल लेवल का भी कोई टेस्ट देने जाएंगे तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, जो आप क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, बस होता कि आपको थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन को की प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो हायर लेवल के आप एग्जाम देंगे। तो इसमें मैंने आपको A to Z हर तरीके के क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो आपके भी पेपरों में पूछे जा सकते हैं, और बाकी मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो उन वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश की क्लासेस, ये सारी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में एचपी पटवारी करके हमें अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग बना रखी हैं, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, क्योंकि देखिए ऐसा कॉन्टेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए हम, तो वो हमारे ही चैनल पर मिलेगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो, कोई भी आपके एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।